बन गया है टिकिया, केले का कबाब की टिकिया बन गई है, काफ़ी अच्छी है। और नॉन वेज से आप इसको कॉम्पिटिशन कर सकते हो, क्योंकि वो नॉन वेज को टक्कर देती है डिश, तो कबाब जैसे लगता है वैसे ही इसका टेस्ट है। ठीक है, तो जो कबाब आप नॉन वेज से खाते हो वही आप वेज कबाब बना के खा सकते हो इसका, तो ये कबाब केले का बना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले का कबाब, जिसके लिए मैंने लिए 5 केले। और इसको मैं काट के बता रही हूँ कैसे काटते हैं, छीलते हैं। दोनों तरफ से कट लगाएंगे। मैं तो ऐसे ही छीलूंगी, देख सकते हैं अच्छे से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और ये इसका कबाब है ना, बहुत ही टेस्टी। आप चिकन मटन कबाब भूल जाओगे, आप एक बार आपने टेस्ट किया ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। ऐसे ही छील लीजिएगा, और इसको छील के मैं टुकड़ों में काट के पानी में रख दूँगी। देख सकते हो मैंने छील के और पानी में डाल के रख दिया, ऐसे टुकड़ों में काट के। अभी इसे पानी में ही रहने दूँगी, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। एक मैंने पतीले लिया है, पतीली, उसमें ये बनाना डालूँगी। कुकर मुझे पसंद नहीं, कुकर के ज़्यादा टेस्ट ही नहीं आता है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 है लाल मिर्ची अक्की, 1 मोटी काली वाली इलायची, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 2 तेज़पत्ता और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैंने 1/2 कप चना डाल दिया है, वो इसमें ऐड कर दूंगी मैं, और इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। अभी आप देख सकते हो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है, ये बॉयल हो रहा है, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। मैंने लिए हैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, और 4 से 5 हरी इलायची और 1 मुट्ठी हरा धनिया। इसे हम एकदम फाइन चॉप कर लेंगे, दिखाती हूँ मैं। अभी आप देख सकते हो मैंने एकदम फाइन चॉप किया है, लहसुन को भी अदरक को भी सेम क्वांटिटी है, और मिर्ची को भी फाइन चॉप किया है। 2 ऑनियन लिए, उसको भी मैंने चॉप किया हुआ है। और मिर्ची आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितना आपको तीखा चाहिए। और हमने हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा लिया है और फाइन चॉप करके रख लिया है। अभी ये हमारा पक रहा है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। अब इसे हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये खड़े मसाले मैं निकाल लूँगी, देख सकते हो मैंने सिर्फ तेज़पत्ता निकाला है, और इस सब के साथ में मैं इसे फाइन पेस्ट बनाऊंगी। बिल्कुल पानी नहीं रखा है, पानी रहना भी नहीं चाहिए, देख सकते हो। अब इसे मैं ठंडा होने के बाद से इसको मिक्सी जार में बारीक पेस्ट बनाऊंगी। अभी हमने लिया है मिक्सी जार, उसमें डाल दिया और हम इसे पेस्ट बनाते हैं। अभी आप देख सकते हो पिस चुका है, और हमें ऐसे ही पेस्ट चाहिए था, सब मसाले के साथ में मैंने पीस लिया है। अब इसे हम निकालेंगे, इसको पीस लिया है और निकाल भी लिया है। देखिए कितना खूबसूरत, वो लाल मिर्ची से आ गए, कलर सूखा भी है। अब इसका हम फाइनल टच देते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन लिया हुआ, इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। कटिंग करके रखा था आपको दिखाया, मैं सब साथ में ही इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होने तक करूँगी। अभी आप देख सकते हैं जो मैंने प्याज को ये किया, पूरा फ्राई नहीं किया, थोड़ा सा कच्चापन दूर किया, इससे टेस्ट है ना बहुत इनहेंस होके आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और एकदम बिल्कुल नए स्टाइल से, मेरे स्टाइल से बना रही हूँ मैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें मैंने ऐड करना है
एक आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं लेमन जूस एक चम्मच ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे हम नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मैं इतना डाल रही हूँ, देख सकते हो आप। और मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड करूँगी जो मैंने चॉप करके रखा था। अभी जो मैंने प्याज, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन जो फ्राई किया था, अभी ये इसमें हम ऐड करेंगे। कितनी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही आ रही है। ये कच्चे केले का कबाब है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत गर्म भी है। कि क्या कच्चे केले का कबाब है, चिकन मटन भी भूल जाएंगे इसके सामने, ऐसा टेस्ट है ना। मैंने हाथ में ऑयल लगा लिया है और इसको अच्छे से राउंड शेप करके, अब जैसा भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। हम ऐसे प्लेट में रख दिया, राउंड शेप करके पहले आप बना लीजिए। देखिए हाथ में भी नहीं चिपक रहा है, लग ही नहीं रहा है बनाने का है, कच्चा केला है। बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बन रहा है, ये देखिए तैयार हो गई है सारी टिकिया। अब ये तलेंगे इसको, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, देखिए बना गई है अभी, काफ़ी अच्छी लग रही है। कितनी सारी हो गई हाँ, पांच केले से कितने सारे बन गए कबाब कच्चे केले के, है ना। पांच केले से मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाली है, मुझे शैलो फ्राई करना है। अब देख सकते हैं मैंने एक अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है, मैं इसमें डीप करूँगी। और डीप कर करके एक एक करके मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। इसी तरह बाकी को भी, बाकी को सब एक एक करके वैसे ही डीप कर करके डालेंगे। ये जब तक पीछे एक साइड से पक ना जाए तब तक हम पलटेंगे नहीं, अच्छे से फ्राई होगा। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। आप चाहें तो विदाउट अंडे के भी फ्राई कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो अंडा। यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हो, जो भी चाहिए आपको। एक एक करके अब हम पलटी कर लेंगे। इसे मैं लो मीडियम पे फ्राई कर रही हूँ। कर रहे हैं, हमारा बन चुका है क्या, करके हम देखिए सारी टिकिया बन गई है, क्योंकि इनको अंडा बहुत सॉरी अंडा पसंद है, इसलिए मैंने अंडे में बनाया। और आपको चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर लगा के भी बना सकते हो, कॉर्नफ्लावर का घोल लगा के बना। ये देखो बन गया है टिकिया, केले केले का कबाब की टिकिया बन गई है, काफ़ी अच्छी है। और नॉन वेज से आप इसको कॉम्पिटिशन कर सकते हो, क्योंकि वो नॉन वेज को टक्कर देती है डिश,
कबाब जैसे लगता है वैसे इसका टेस्ट है। ठीक है, तो जो कबाब आप नॉनवेज से खाते हो वही आप वेज कबाब बना के खा सकते हो इसका। तो ये कबाब केले का बना है। ठीक है, तो आपको केले का कबाब कैसा लगा, मतलब ये डिश कैसी लगी, इसके बारे में आप हमको कमेंट कीजिए, और हो सके तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाले इस तरह के नए नए वीडियो मिलते रहें जिसमें आपको नई नई डिश पता चलेगी। और ये बताना चाहता हूँ ये काफ़ी स्वादिष्ट डिश है, तो आप इसे घर पे बना सकते हो, और जैसे आपने पूरा प्रोसेस देखा ही होगा। ठीक है, तो ये बनाने के बाद मैं तोड़ के भी दिखा दूँ कितना अच्छा। देखिए आप ये देखिए, इनको अंडा पसंद था इसलिए मैंने अंडा यूज़ किया, आप कॉर्नफ्लावर भी इस जगह पे कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, टेस्ट बहुत ही यूनिक है, अलग स्टाइल में बनाया हुआ है, देख सकते हो आप। देखिए टूना है, काफ़ी गर्मा गर्म डिश है, काफ़ी गर्मे में खा रहा हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, एक नंबर टेस्ट है, सुपर अच्छा। काफ़ी केचप के साथ में, ग्रीन चटनी के साथ में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है ना, है ना। केचप के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो ग्रीन चटनी के साथ जब से खा सकते हो, क्योंकि काफ़ी गर्म है इसलिए समझ में खा रहा हूँ। तो बताइएगा कि कैसा आप लोग भी बनाइए डिश और घर में, और हमको बताइए कि आपको भी कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।